तो चलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करते हैं पैरासीटामोल मेडिसिन के बारे में, जो कि आजकल हर घर में आपको मिलती है। और अगर हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यह एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाती है और इसमें किसी भी डॉक्टर के किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। बात करें तो इसको हम एक एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। इसका एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट होता है, जो कि अगर हमारे सर में दर्द है या हमारे बॉडी पेन है या फिर हमारा बैक पेन है या हमारे दांत में दर्द है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो उसमें यह काम करती है। अगर हमारे जॉइंट में कोई भी इन्फ्लेमेशन है या उसमें स्वेलिंग है उसमें यह इतना अपना काम नहीं कर पाती है। पैरासीटामोल जो है वो बेसिकली पेन और फीवर में ली जाती है। अब बात करें कि यह पेन और फीवर को कंट्रोल कैसे करती है। तो क्या होता है, जब भी हमें हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होता है तो उसका सिग्नल सीधा हमारे ब्रेन तक जाता है, तो हमारे ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस में जाता है और उसी टाइम हमारी बॉडी क्या करती है, एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, इसके रिलीज़ होने से हमें हमारी बॉडी में पेन फील होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसमें पैरासीटामोल क्या करती है, पैरासीटामोल लेने के बाद वो प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज़ को कम कर देती है और उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और हमें पेन भी फील नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें इसे लेना चाहिए। तो अगर जिसकी एज बच्चों में 10 से कम है तो वो इसको 150 mg में ले सकते हैं दिन में 3 बार 4-4 घंटे के गैप में, और जिनकी एज 20 से कम है वो इसको 200 और 300 mg में ले सकते हैं दिन में 3 बार वो भी 4-4 घंटे में। अगर अडल्ट की बात करें तो वो लोग इसको 500 से 650 mg की रेंज में ले सकते हैं। बेसिकली इसको मैक्सिमम जो अडल्ट लोग हैं वो 4000 mg तक ही ले सकते हैं। अगर वो इससे ज़्यादा इसको लेते हैं, इससे ज़्यादा दिन में वो इसका यूज़ करते हैं तो इसके ओवरडोज से आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसका होता है वो है लीवर डैमेज। इससे आपका लीवर काम करना प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। साइड इफ़ेक्ट्स में बात करें तो इससे आपको स्टोमक पेन और नोज़िया भी हो सकता है। अब बात करें कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, तो स्पेसिफिकेशंस में आती है कि हमें इसको किडनी डिसीज़ और लीवर डिसीज़ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी किडनी या लीवर डिसीज़ पहले से है तो उस केस में आपको इसको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना होगा। अगर हम बात करें कि हम इसे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में ले सकते हैं नहीं, तो हाँ हम इसको प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में ले सकते हैं, ये सेफ़ होती है। लेकिन हाँ, हमें इसे थोड़े कम अमाउंट में लेना होगा, ज़्यादा अमाउंट में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, यह मार्केट में कई फॉर्म में हमें मिलती है, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, ड्रॉप, सस्पेंशन, इंजेक्शन, सपोजिटरीज, तो काफ़ी सारे फॉर्म में हमें मार्केट में मिल जाती है। क्या होता है कि मार्केट में भी ये हमें बहुत सारे सिरप हो गए, जैसे कोल्ड सिरप हो गया और जैसे आपका जुकाम का कोई भी सिरप हो गया, तो उनके साथ भी मिक्स होके ये हमें मिलती है। अगर आप कोई भी पैरासीटामोल टैबलेट अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में अगर आप कोई भी कफ सिरप या कोई भी कोल्ड का सिरप या कोई भी दूसरी बीमारी का या पेन का सिरप आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप दोनों एक साथ लेते हैं तो इधर पैरासीटामोल और दूसरा जो आप सिरप ले रहे हैं उनमें भी पैरासीटामोल मिक्स होता है, तो उसके कारण आपको ओवरडोज हो सकता है। तो बेटर होगा कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उनको यूज़ करें। अगर हम बात करें तो ये मार्केट में कई ब्रांड के नाम से हमें मिलती है, जैसे कि क्रोसिन हो गया, डोलो हो गया, कैप्रोल 650 हो गया, पैसीमोल हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि पैरासीटामोल मेडिसिन वो बनाते हैं। ये बात होगी पैरासीटामोल के बारे में। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से इनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।
सो आगे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ, आप अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आई होप उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। सो नाउ टेक केयर, बाय बाय।